हाय एवरीवन, देसी लॉ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम नागरिकता के संबंधित एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुँच सके। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है संघ और राज क्षेत्रों से है, बी ऑप्शन है मौलिक अधिकार, सी ऑप्शन है नागरिकता, डी ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करना दोस्तों। सेलेक्ट करिए, क्या होगा दोस्तों? हमारा सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, नागरिकता। ठीक है दोस्तों, बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन टू की तरफ। निम्न में से कौन से अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 15, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 16, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 19 एंड डी ऑप्शन है अनुच्छेद 20। इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए दोस्तों। क्या होगा हमारा सही ऑप्शन? होगा दोस्तों डी ऑप्शन, अनुच्छेद 20। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन थ्री की तरफ। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? चार ऑप्शन मिलेंगे। ए ऑप्शन है 3 वर्ष, बी ऑप्शन है 4 वर्ष, सी ऑप्शन है 6 वर्ष एंड डी ऑप्शन है 7 वर्ष। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। क्या होगा दोस्तों? हमारा डी ऑप्शन 7 वर्ष। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन फोर की तरफ। हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून कब लागू किया गया? चार ऑप्शन मिल हैं। ए ऑप्शन है 2005, बी ऑप्शन है 2008, सी ऑप्शन है 2010, डी ऑप्शन है 2019। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सेलेक्ट करिए, हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 2019। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन फाइव की तरफ। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? चार ऑप्शन मिलेंगे। ए है 1947, बी है 1950, सी है 1955 एंड डी है 1960। कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए दोस्तों। क्या होगा हमारा सही ऑप्शन? होगा दोस्तों सी ऑप्शन, 1955। ठीक है दोस्तों, बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन सिक्स की तरफ। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? चार ऑप्शन मिलेंगे। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 5, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 8, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 10 एंड डी ऑप्शन है अनुच्छेद 11। एक ऑप्शन कोई हमारा सही है दोस्तों, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सेलेक्ट करिए दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 11। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन 7 की तरफ। अनुच्छेद 10 भारतीय नागरिक की नागरिकता प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व किसे सौंपता है? चार ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों। ए है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है सांसद, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कोई एक ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? सेलेक्ट करिए, सी ऑप्शन हमारा होगा। ठीक है दोस्तों, संसद को। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 8 की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ए ऑप्शन है भाग 1, बी ऑप्शन है भाग 2, सी ऑप्शन है भाग 3, डी ऑप्शन है भाग 4। सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा दोस्तों? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा, भाग 2। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 9 की तरफ। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किए गए? ए ऑप्शन है 1990, बी ऑप्शन 1950, सी ऑप्शन 1951 और डी ऑप्शन है 1955। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? सेलेक्ट करिए आप लोग, हमारा ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन सही होगा, 1950। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। भारतीय संविधान
निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ए ऑप्शन है एकल नागरिकता, बी ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, सी ऑप्शन है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोई इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करिए दोस्तों क्या होगा हमारा, हमारा संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है दोस्तों? ए ऑप्शन है एकल नागरिकता। ठीक है दोस्तों, बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन 11 की तरफ। कौन सा अनुच्छेद स्वैच्छिक आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान करता है? चार ऑप्शन मिलेंगे, ए ऑप्शन है अनुच्छेद 8, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 9, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 10, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 11। इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए दोस्तों, सेलेक्ट करिए दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन सही होगा अनुच्छेद 9। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 12 की तरफ। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? ए ऑप्शन है इंग्लैंड से, बी ऑप्शन है अमेरिका से, सी ऑप्शन है रूस से, डी ऑप्शन है फ्रांस से। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, सेलेक्ट करिए आप लोग। टाइम दे रहा हूँ आपको 5 सेकंड का। इसमें से हमारा ये ऑप्शन सही होगा, इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो जो है दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों।